हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:50 यानी कि ऑलमोस्ट 6, और मैं हूँ बठिंडा जंक्शन के स्टेशन पे। आज जो मेरी जर्नी होने वाली है वो होगी ट्रेन नंबर 14712 पे, जो कि है श्री गंगानगर हरिद्वार इंटरसिटी एक्सप्रेस। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। चलती है ये श्री गंगानगर से और पहुंचाती है हरिद्वार, लेकिन मेरी जो जर्नी होगी वो होगी बठिंडा जंक्शन से लेकर पटियाला तक। बठिंडा जंक्शन पे आने का इस ट्रेन का टाइम है सुबह 6:20 पर, और ये पहुंचा देगी मुझे पटियाला 9:15 के आसपास यानी कि 9:13 पर। आज की ये जर्नी है तो एक छोटी सी जर्नी, लेकिन आज की जर्नी डेडिकेटेड है हमारे सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि इस जर्नी में मैं अपने सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स को, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कमेंट्स में, उनका रिप्लाई करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप बठिंडा जंक्शन के स्टेशन पे आ रहे हैं तो काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये, जहाँ पे आपको सारी खाने पीने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी। आई मीन टू से कि अगर आपने नॉर्मल बिस्किट, चिप्स, चाय वगैरह लेनी है तो ऑलमोस्ट हर स्टेशन पे मिल जाता है, बट अगर आपने खाने पीने के लिए भी है तो वहाँ पे भी प्रॉपर अरेंजमेंट है आपका स्टेशन पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये एक जंक्शन है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है ट्रेन्स की वो भी ज़्यादा है। मेन अगर मैं कहूँ राजस्थान के साथ भी है, और प्लस हरियाणा के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स की संख्या है वो है 7, एंड जिस प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आने वाली है वो भी है प्लेटफॉर्म नंबर 7। तो अभी जहाँ मैं बैठी हूँ वो है प्लेटफॉर्म नंबर 7। फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन का जो है लोकोमोटिव वो है WDG-4D। W मीन्स वाइट, D मीन्स डीजल, एंड G मीन्स गुड्स। तो गुड्स ट्रेन का जो इंजन है, मालगाड़ी का इंजन, वो यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि ये इटारसी शेड का। एंड यहाँ पे जो हमारी ट्रेन है वो रुकती है 10 मिनट्स के लिए, तो चलिए आइए जल्दी बोर्ड कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं अपने कोच में, सेकंड सिटिंग में। आप देख सकते हैं लाइट्स, फैन, एवरीथिंग इज देयर। और सबसे अच्छी बात, अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे चार्जिंग का सॉकेट दिया हुआ है। आजकल ये चीज़ें बहुत नेसेसिटी हो चुकी है, और आपको अगर अपनी सीट के साथ मिल जाए तो मतलब जैसे जन्नत मिल गई हो। तो अब टाइम हो चुका है हमारी ट्रेन का, चलिए आइए मैं आपको इसका डिपार्चर भी दिखा देती हूँ। एक सब्सक्राइबर लिखते हैं, दीपिका आप गॉगल्स बहुत प्यारे पहनते हो, थैंक यू सो मच। एक और सब्सक्राइबर है जिन्होंने लिखा है, आई वांट टू आस्क दैट ब्लोअर पूरी रात चलता है न्यू दिल्ली लखनऊ एसी सुपरफास्ट में। तो यस, ब्लोअर पूरी रात ही चलेगा विंटर्स में, सर्दियों में, और गर्मियों में एसी चलता है। एंड इज़ द ब्लोअर कंफर्टेबल। जो ब्लोअर की सेटिंग होती है नाविका, वो इस तरह से की जाती है कि किसी भी पैसेंजर को डिसकम्फर्ट ना हो, सो डोंट वरी एट ऑल। इन केस कुछ होता है ऐसा तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं जो भी वहाँ पे अटेंडेंट होंगे उनको। अरे, ये तो मिस्टर विशाल का कमेंट है, अ बिग फैन ऑफ इंडियन रेलवे, नाइस व्लॉग। तो थैंक यू सो मच विशाल जी, आई नो आप भी बहुत बड़े रेल व्लॉगर हैं और रेल फैन हैं। इवन आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडियन रेलवेज, सो 3 चीयर्स टू यू।
काफ़ी फनी है. आई थिंक यू आर फॉन्ड ऑफ चिप्स, यू ऑलवेज मंच चिप्स ऑन योर जर्नी विद ए नाइस वीडियो. आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ चिप्स, बट येस जब भी मैं जर्नी करती हूँ तो आई लाइक टू मंच समथिंग, एंड इसीलिए बिस्किट्स और चिप्स मेरे मतलब फेवरेट रहते हैं, अदरवाइज आई प्रेफर होम फूड. चलिए आइए मैं अब आपको बाहर के सुंदर सुंदर से व्यूज़ दिखाती हूँ, हरे भरे खेतों को और उनकी हरियाली को. एक सब्सक्राइबर लिखते हैं, मैम जिस तरह से आप सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करती है वो बहुत बेहतरीन है, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा जस्ट की वर्किंग हार्ड जस्ट लाइक यू आर डूइंग राइट नाउ. थैंक यू सो मच फॉर दी एप्रिसिएशन. एक सब्सक्राइबर लिखते हैं, प्लीज़ मेक इंडियन रेलवेज लोकोमोटिव सीरीज़. तो फॉर यू आई एम टेलिंग वन थिंग कि जो मेरा एक और चैनल है उसमें आपको रेलवे से रिलेटेड सारी अच्छी अच्छी क्लिप्स, इट्स नॉट कि मतलब आ रही है ट्रेन और मैं उसकी क्लिप बना रही हूँ, नो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग क्लिप्स आपको उस चैनल पे मिलेगी. उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन पर दे रही हूँ, तो आप एक बार उसको गो एंड वॉच इट एंड डू टेल मी लाइक बाय कमेंटिंग कि आपको वो कैसी लग रही है सीरीज़. तो एक बार उसको भी विजिट ज़रूर करना, बिकॉज इस चैनल में स्पेशली इट्स अ व्लॉगिंग चैनल तो आई वोंट बी कवरिंग इट, बट येस अगर आप इंटरेस्टेड है देखने में रेलवेज़ की लाइक लोकोमोटिव्स की सीरीज और भी बहुत सारी ट्रेन्स को, तो प्लीज़ वॉच दैट चैनल. एक कमेंट है, यू शुड ऑल्सो कवर नंगल टू भाखड़ा डैम ट्रेन एंड ट्रेवल ऑन दिस ट्रेन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. येस आई नो कि यहाँ पे जो ट्रैवलिंग है भाखड़ा नंगल टू भाखड़ा डैम ट्रेन तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. इवन आई वॉज प्लानिंग और जब मैं ये प्लान कर ही रही थी कि मुझे इस पे ट्रेवल करना है, तो उसी टाइम आई फाउंड कि जो हमारे दो दिग्गज रेल लवर्स हैं सत्या एंड रेल ज्ञानकोश, उन्होंने इसको कवर कर लिया है, दे हैव ऑलरेडी मेड वीडियो ऑन दिस. सो इसीलिए मैं उस टाइम पे थोड़ा सा रुक गई एंड अब डेफिनेटली इन फ्यूचर मैं इस रूट को ज़रूर कवर करूँगी एंड नंगल टू भाखड़ा डैम जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन चलती है उस पे जर्नी ज़रूर करूँगी. सब्सक्राइबर लिखते हैं, थैंक गॉड किसी ने तो काम की चीज़ दिखाई, कीप इट अप ऑल द बेस्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर दी एप्रिसिएशन. आप लोगों की ही ये जो कमेंट्स हैं मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेके आऊँ. सो थैंक यू सो मच. वन ऑफ द सब्सक्राइबर राइट्स, सब ठीक है बस डोंट इंक्लूड बैकग्राउंड म्यूज़िक. बैकग्राउंड म्यूज़िक हम इसलिए देते हैं सो दैट बोर ना हो जाए व्यूअर मेरा और थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट बना रहे. बट येस आई इंक्लूड रेलवे ट्रैक साउंड ऑल्सो, जो कि जान है रेल फैंस की, तो वो मैं ज़रूर इंक्लूड करती हूँ, वो मैं कभी मिस नहीं करती. आपसे बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला, हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है रामपुरा फुल. यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स की संख्या है सिर्फ एक और ट्रेन रुकेगी यहाँ पे 2 मिनट के लिए. एक लिखते हैं, मैम प्लीज़ डू मेक वीडियोज़ फ्रॉम लखनऊ रेलवे स्टेशन बिकॉज आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड आई रियली लाइक योर व्लॉग्स.
मैंने लखनऊ रेलवे स्टेशन को भी कवर किया हुआ है अपने ब्लॉग्स में, तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा. डू वॉच इट एंड इट्स रियली गुड कि आप लखनऊ से हैं. लखनऊ एक बहुत ही अच्छी सिटी है एंड ऑल द बेस्ट. एंड आने वाले दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स आई विल ट्राई कि मैं वहाँ लखनऊ से भी आपके लिए बनाऊँ. I love traveling by train and watching your videos. It's just like traveling by train. Deepika ji is indeed an awesome vlogger. Thank you so much, Varinder Singh ji. I always try कि जो मैं vlogging करूँ, जो मैं अपनी journey आपको दिखाऊँ, कि आपको सच में ऐसा लगे कि आप खुद मेरे साथ यहाँ पर journey कर रहे हैं और ऐसा ही मतलब जैसा enjoy मैं करती हूँ train में, वैसा आप घर बैठे या कहीं पर भी बैठ के जब आप मेरे videos देख रहे हैं तो वैसी enjoyment आपको भी मिले. और if you are getting it, it means कि मेरा जो purpose है vlogging का वो कुछ कुछ solve हो रहा है, आपको interest आ रहा है videos में. फ्रेंड्स, मैंने इस रूट को पहले भी कवर किया हुआ है और जब मैंने पहले कवर किया था तो बहुत भीषण गर्मी में कवर किया था. इतनी ज़्यादा गर्मी थी, सबसे गर्म शहर श्री गंगानगर में हम गए थे गर्मियों के बीच में. और अब मैं जब इस रूट को कवर कर रही हूँ तो ठंड शुरू हो चुकी है. मतलब ऐसे देख के आपको नहीं लग रहा होगा लेकिन बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है. कहते ना हल्के में ले लिया मौसम को दोनों बार. उस टाइम ऐसा लगा था कि इतनी गर्मी नहीं होगी, बट यहाँ के लगा गंगानगर तक पहुँचते पहुँचते कि बहुत ज़्यादा गर्मी है. एंड डिहाइड्रेशन ना हो तो इसलिए मैंने बहुत चीज़ें अपने साथ कैरी की थी. और क्या क्या कैरी किया था वो देखने के लिए आपको मेरा वो व्लॉग देखना पड़ेगा जिसका ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पर. एंड इस बार जो है मौसम अच्छा है पर थोड़ा ठंडा है इतना कि आपको खिड़कियां तक बंद करनी पड़ ही जाएंगी. तो फ्रेंड्स, बातें करते करते हम पहुंच चुके हैं धूरी जंक्शन के स्टेशन पर. यहां पर हमारी ट्रेन रुकेगी सिर्फ 5 मिनट के लिए. पहले भी कई बार दोस्तों मैं अपने व्लॉग्स में धूरी जंक्शन के स्टेशन को कवर कर चुकी हूँ. धूरी जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन राजपुरा, एक लुधियाना, एक भटिंडा और एक जाती है झाकल की तरफ.
एक सब्सक्राइबर लिखते हैं जोधपुर टू बीकानेर ट्रेन जर्नी में, जोधपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म से रिटायरिंग रूम तक लिफ्ट की सुविधा है या नहीं। सर मैंने तो जो है इसमें स्टेयर्स जो है, जो रिटायरिंग रूम है इसमें, वो फर्स्ट फ्लोर पे ही है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको फोर्थ फ्लोर या फिफ्थ फ्लोर तक चढ़ना पड़ रहा है, तो आप इजीली स्टेयर्स से कर सकते हैं और कोई ज़्यादा सीढ़ियाँ इसमें नहीं हैं। वन सब्सक्राइबर राइट्स, मैम ट्रेन ऑन द ट्रैक्स आपके हस्बैंड का चैनल है क्या? ये चैनल हम दोनों का ही है मिलके, सो यस, बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं उस पर जैसा कि आपने कहा, और आपको मैं उसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे दे रही हूँ, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना टू गेट इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप्स। एक सब्सक्राइबर लिखते हैं, नाइस ट्रेन जर्नी, गंगानगर से दिल्ली जर्नी कई बार कर चुका हूँ, मैं 10 साल रहा हूँ गंगानगर में, दैट्स रियली गुड, आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ, आपकी तरह मैं भी रेल फैन हूँ, ट्रेन जर्नी करना काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मतलब इट्स जस्ट रेल फैंस एंड रेल जर्नी जैसा कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। इतना कंफर्ट जो आपको रेल जर्नी में मिलता है वो आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता। सो यस, 3 cheers टू यू। जब मैंने शिमला की जर्नी की थी शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस में, तो उस पर एक कमेंट था, दिस ट्रेन जर्नी इज़ इटसेल्फ अ ग्रेट एक्सपीरियंस मोर देन द विजिट, यू डोंट गेट दिस ड्यूरिंग एन एयर ट्रेवल। बिल्कुल सही बात है ये, अगर आप शिमला जा रहे हैं और अगर आप शिमला की वादियाँ नहीं देखी आपने तो क्या देखा, ना इतना खूबसूरत नज़ारा है जो शायद आपको एयरवेज से भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियन रेलवेज ही दे सकते हैं। तो मस्ट विजिट वन इन अ लाइफ टाइम टू शिमला, एंड इस हेरिटेज ट्रेन में ज़रूर 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 ट्रेवल करना, एक बार तो शिमला जाना बनता ही है ट्रेन पे। तो फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं हम पटियाला के स्टेशन पर, उम्मीद करती हूं आपको मेरे साथ ये सफ़र बहुत पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, हमारे अगले व्लॉग तक स्वस्थ रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहें।